राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं, लेकिन सालों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि इन विधानसभा चुनावों में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन में उपापह की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और ये पहली सूची जारी होने के बाद राजस्थान के हर हिस्से में विरोध देखना पड़ रहा है। यहां तक कि बीजेपी की ओर से जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनके खिलाफ भी भारी विरोध क्षेत्रों में देखने को मिला है। चाहे झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या विद्याधरनगर से दिया कुमारी हो, दबे स्वरों के साथ ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात उठ रही है कि आने वाले समय में जो टिकटें दी जाएंगी उन टिकटों में क्या दिग्गजों को वरीयता दी जाएगी या नए चेहरों पर दोनों ही पार्टियां दाव खेल सकती हैं। लेकिन टिकटों के वितरण के बीच में कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी साख दाव पर लगी हुई है और इन नेताओं में दो सबसे बड़े नाम हैं वसुंधरा राजे और सचिन पायलट। देखिए, बीजेपी को टिकटों का ऐलान करे तकरीबन 3 से 4 दिन हो गया है। इसी बीच लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस की दो जो सूचियां हैं नामों की वो वायरल हुई थी, जिसके बाद आला कमान को इन सूचियों को सिरे से नकारा गया था। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर वसुंधरा राजे की। जैसे ही कुछ जो उनके विधायक थे, पूर्व विधायक थे या जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट कटने के बाद लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वसुंधरा के करीबियों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे के सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि अपनों को तो मनाना ही है, साथ ही आला कमान से अपनों के लिए लड़ना भी। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि नवरात्रों में वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश के दतिया में जाएंगी और 9 दिन तक पूजा पाठ करेंगी। लेकिन यदि अपनों को मनाने से पहले वसुंधरा राजे दतिया जाती हैं और 9 दिनों तक यदि वे पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं और ऐसे में बीजेपी की ओर से जो अन्य सूचियां जारी की जाएंगी उन सूचियों में उनके अपनों का नाम नदारद होगा, तो ऐसे में वसुंधरा राजे क्या करेंगी? ये बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे जो पिछले कुछ समय से लगातार जिनकी अनदेखी की बातें राजस्थान की जनता ही नहीं आला कमान में बैठे हुए वो लोग भी कर रहे हैं जो वसुंधरा को सालों से जानते हैं, ऐसे में वसुंधरा राजे की साख तो दांव पर लगी हुई है, इसके साथ भी कांग्रेस में भी कुछ अच्छा घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस भी जल्द ही अपनी पहली सूची जारी करेगी, लेकिन यदि कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पहली सूची जारी नहीं होने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है वो और बढ़ गई। देखिए, इस समय कांग्रेस की टिकटों पर सबकी नजरें रह सकती हैं, क्योंकि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी थी और उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे लग रहा था, तो उस समय राजस्थान में एक विरोध की चिंगारी फूटी थी और इस चिंगारी में कई ऐसे बड़े नाम आए थे जिससे आलाकमान खुश नहीं था। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से उन नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो जख्म है वो अभी भी हरे हैं। क्या उन दिग्गज नेताओं का टिकट कटने वाला है? क्या आला कमान की ओर से उनको उनके किए की सजा मिलेगी? हमने एक दिन पहले देखा कि धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि हमें आला कमान ने क्लीन चिट दे दी है, हमारा अब किसी भी रूप में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारा टिकट न काटा जाए। तो वहीं शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया, ये दो बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस किस पर दाव खेल सकती है? दूसरी ओर शांति धारीवाल की अगर बात की जाए तो शांति धारीवाल का भी इस बार टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने टिकट अपने बेटे के लिए मांगा। तो क्या कांग्रेस उनके बेटे पर यकीन कर पाएगी?
दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं में इस समय डर की स्थिति बनी हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा है वह जग जाहिर है। हालांकि समय समय पर आलाकमान ने यह कहा है कि दोनों एकजुट हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी सचिन पायलट की काट तलाशने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन क्या 2023 के चुनावों में पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट की काट कांग्रेस ढूंढ पाएगी, या फिर सचिन पायलट के बिना जो कांग्रेस ये सोचती है कि वह राजस्थान में फिर से सत्ता में लौट आएगी, 25 सालों का इतिहास बदल देगी, अपनी सत्ता को अपने किए कामों से वापस से प्राप्त कर लेगी, तो सचिन पायलट की अवहेलना के बाद क्या उनका ये सपना पूरा हो सकता है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खुद कांग्रेस तलाश रही है और जिनके जवाबों का इंतजार जनता को भी। वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे लगातार जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसके टच में है, और ये चीज हमने कई बार मन से भी देखी, लेकिन मन से ये भी देखने को मिला कि वसुंधरा की उपेक्षा की जा रही है, मन से अब उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मंच पर जो दूरियां हैं वह भी नजर आ रही है। लेकिन वसुंधरा राजे का मध्य प्रदेश के दतिया जाना, 9 दिन तक वहां पर तपस्या में रहना यानी कि पूजा पाठ करना, और उम्मीद ये की जा रही है कि 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में दोनों ही पार्टियों की ओर से सभी सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे का दतिया जाना उनके अपनों पर भारी पड़ सकता है, या फिर सचिन पायलट का उनके जो अपने हैं, अपनों से मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो सचिन पायलट ने संघर्ष किया था, साथ दिया था, आज तक भी उनके साथ बने हुए हैं। हालांकि कई लोगों ने डूबती हुई कश्ती समझकर सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी सचिन पायलट को उम्मीद है कि वो जनता के बीच उनके मनों में जगह बनाए हुए हैं और उनके जो अपने हैं वो उनके साथ हैं, जो वक्त आने पर उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा है, 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा, लेकिन उससे पहले टिकट वितरण को लेकर जो एक संघर्ष खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है वो संघर्ष आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के पहली सूची से ही ये संघर्ष पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अब लगता है कि जब पहली सूची जारी की जाएगी, देखिए अब आने वाले 4 दिनों तक कांग्रेस की महत्वपूर्ण और मैराथन बैठकें चलेंगी। इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो वह भी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। 16 अक्टूबर को वह राजस्थान के दौरे पर आएंगे तो 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर आएंगी, और यह दौरा रहेगा ERCP का मुद्दा। देखिए ERCP का मुद्दा कोई नया नहीं है, जनता अभी अच्छी तरीके से जान चुकी है कि पिछले 9 सालों से कांग्रेस लगातार ERCP को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आ रही है, जबकि यह मुद्दा तो 50 से 60 साल पुराना है। इस दौरान तो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, उस समय ERCP का मुद्दा सुलझा क्यों नहीं? ERCP को जो मुद्दा बनाकर कांग्रेस है वह जनता के बीच में जा रही है, अपनी योजनाओं को गिनाकर जनता के बीच में जा रही है, तो टिकटों का वितरण अब ये निर्धारित करेगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं कि वह सत्ता में फिर से आएंगे, बीजेपी दावा कर रही है कि परिवर्तन आएगा, उनकी परिवर्तन संकल्प यात्रा सफल होगी, लेकिन टिकटों का वितरण कहीं ना कहीं दोनों के ही मंसूबे पर पानी न फेर दे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा जग जाहिर है, तो वसुंधरा राजे की उपेक्षा भी पूरा राजस्थान देख रहा है। ऐसे में क्या सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की अनदेखी अपनी पार्टी पर भारी पड़ सकती है, या फिर दोनों ही पार्टियां अपने इन दोनों दिग्गजों को अपने पक्ष में करके विधानसभा चुनावों में मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़ और मैं हूं ललित वर्मा।